अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेबास किचन। आज ईद है और मैंने ईद का स्पेशल बनाया है, ज़ीरा राइस थोड़ा तड़का मार के और चिकन खुरमा, और मैंने सर्व किया है उसे नान के साथ। नान मैंने बनाया नहीं है, तो चलते हैं फिर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, ये 2 से 2.25 किलो तक का चिकन है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके, नमक से वॉश करती हूँ मैं हमेशा चिकन को, नमक और नींबू से वॉश करके मैंने रख दिया था रेफ्रिजरेटर में। और अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। यही कांदे को मैंने जो है देखिए फ्राई करके रेडिश करके रखा है, जलाया बिल्कुल नहीं है, कुरकुरी। उसके ही तेल में मैं जो है अब खुरमा बनाना चालू करूँगी। तो सबसे पहले मैं तेल गर्म होने रख दिया है मैंने। मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, और 1 काली मिर्च नहीं ऐड किया है मैंने, अभी सिर्फ लौंग तक का ऐड किया है। कौरी मिर्च का मैं अलग पेस्ट बनाऊंगी, वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे ये गर्म हो जाता है मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, और चिकन को पूरा ऐड करने के बाद मैं इसे जो है अच्छी तरीके से तेल में फ्राई कर लूँगी चिकन। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज कर लेता है, आप देखिए, देखिए चिकन का कलर चेंज होगा। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाता है मैं उसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच, और 3 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा नमक, और इसे मैं अभी अच्छी तरीके से फास्ट आंच पे भून लूँगी। देखिए कितना अच्छा भुना गया है मेरा चिकन। अब इसमें जो है मैं ऐड कर लूँगी और दूसरे मसाले। पूरा इसे पकने के बाद मुझे अब इसमें ऐड कर लेना है, देखिए अब इसमें ऐड कर लेंगे मिर्ची पाउडर, पहले मैंने धनिया ऐड किया है, सब छोटे छोटे चम्मच, और 2 बड़े स्पून से ऐड किया है 2-2 चम्मच, और मिर्ची पाउडर मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 चम्मच टेस्ट के हिसाब से। इसमें क्या है, मैं कश्मीरी मिर्ची भी ऐड करती हूँ, और हल्दी ऐड करूँगी थोड़ा सा। और इसे ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से इसमें भून लूँगी। और क्या है, मुझे इसमें ज़्यादा ग्रेवी बनाना है, और मैं क्या है टमाटर यूज़ करती हूँ ज़्यादा, खुरमा में मैं टमाटर डालती हूँ, तो इसमें भी मैं ऐड करूँगी। देखिए अभी मेरा मसाला अच्छे से भुना जा रहा है, मसाला मिर्ची बुकी धनिया हल्दी में। अब मैं इसमें सारे छोटे छोटे पीसेस करके, तो मैंने टमाटर काटे थे वो, ये 5 छोटे टमाटर लिए मैंने, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि हमारे टमाटर से भी पानी निकलेगा, तो इसके पानी में हमें पूरा इसे भून लेना है अच्छी तरीके, और टमाटर हमारे स्मैश छोटे छोटे होंगे। अब मैं आपको एक मसाला बताऊंगी जो मैं इसमें डालती हूँ खुरमे में। ये 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा लिया है, 1-4 चम्मच धनिया लिया का, और काली मिर्च थोड़े से स्पून, और सूखी मिर्ची। अब इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी स्लो आँच पर, ताकि ये जले ना। सूखी मिर्ची आप अपने तीखे के हिसाब से डालिए, मैं थोड़ा स्पाइसी हल्का बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, मेरे बच्चे नहीं खाते। देखिए भुना गया है, अब इसे मैं थोड़ा कुरकुरी इधर एकदम बारीक सा ही पीस लूँगी। देखिए पीस लिया है मैंने, अब मैं चलती हूँ मेरे कुरमे के तरफ। तो मेरा मसाला देखिए अच्छे से पक गया है, मेरा टमाटर भी अच्छा नरम हो रहा है। अब इसमें जो है मैं ये जो कांदा है इसको भी पीसना है, ये भी मैं बताती हूँ क्या क्या ऐड करके मैं पीसूँगी। ये मैंने कांदा जो फ्राई करके रखा एकदम क्रंची क्रंची है, देखिए आप। अब इसमें मैं ऐड करना है हमें दही और काजू जो मैं थोड़े से भिगा के रखा, और एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ खुरमे में, वो है खसखस, ये भी मैं ऐड करती हूँ। तो ये सबको जो है हमें पीस लेना है, तो चलते हैं फिर पीसने के लिए। मैंने मिक्सर जार ले लिया है, अब इसे मैं पीस लूँगी। देखिए दही ऐड कर लिया है मैंने, पूरा 1 बाटी दही डाला है मैंने, और इसको ये 15 से 20 काजू है, और 2 चम्मच खसखस डाल दूँगी। देखिए मेरा चम्मच कितना छोटा है, ये 2 चम्मच मैं यूज़ कर लूँगी खसखस, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसा बना के। देखिए देखिए मेरा मसाला पिस चुका है, फाइन पेस्ट बनाना है एकदम पतला, देखिए ठीक रखना है, लेकिन पतला पानी हमको तो डालना ही होता है। अब मैं अपने खुरमे की ओर चलती हूँ, देखिए मेरा पानी इसमें रहने दीजिए, क्योंकि हमें तो ग्रेवी बनाना ही है, इसमें भूनते रहना है। अब ये जैसे ही भुना गया है आप देखिए, मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो मैंने पेस्ट बनाया है, ये मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा उसमें ही पानी जो मिक्सर का जार है उसमें ही मिक्स पानी ऐड करके
इसमें मैं और थोड़ा सा डाल के मैं इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो मैंने मसाला भून के पीस लिया था, उसे पूरा ऐड कर लेना है। उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यकीन मानो। आप भी मेरा ये कौरमा ज़रूर बनाइएगा। पूरा मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब जो है मैं इसमें ऐड कर लूँगी गरम मसाला पाउडर जो मैं ऊपर से ऐड करती हूँ। ये मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया है। मेरा स्पून तो आप देखते हो छोटा छोटा स्पून होता है मेरा, तो अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है। इसी चीज़ में जो हमारा मसाला जो हमने डाला है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। अब जो है मैं इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनाना है ना, तो मैं इसमें पानी ऐड करके ग्रेवी बनाऊँगी, ग्रेवी का एक थिकनेस बनाऊँगी। फिर इसमें मैं ऐड कर लूँगी थोड़े से मिर्ची जो मैंने चीर मार के रखा हुआ है, चीर के रखा था थोड़ा सा, और फिर इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक इसमें भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिर्ची चीर के डालेंगे तो। फिर हम जो है इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने नमक टेस्ट किया था तो नमक कम था, तो मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है। अब मैं ऐड कर लूँगी कोतमीर और पुदीना जो मैंने थोड़ा सा कट करके रखा था, चॉप करके, वो मैं पूरा ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। रख दिया है मैंने, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। और फिर हम जो है इसे अच्छे से, ये जो मसाला हमने लास्ट में डाला था वो भी अच्छे से पकना है, तो हम इसमें अपने हिसाब से जितना मुझे पानी चाहिए, जितना मुझे इतना सालन का थिकनेस चाहिए कौरमा का, उसके हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अगर आपको थिक चाहिए तो आप थिक बनाइए, अगर एकदम से थोड़ा सा पतला चाहिए तो पतला बनाइए। मुझे इतना चाहिए था तो मैंने बनाया है। देखिए मेरा कौरमा अब रेडी हो रहा है। अब जो है मैं इसे ढक्कन ढक के बॉईल आने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसमें देख रही हूँ कि इसमें तड़का नहीं है मिर्ची का, तो मैं इसमें अलग तरीके से ऐसा तड़का डालती हूँ। मैं तेल को जो है गरम कर लूँगी थोड़ा सा। जैसे ही मेरा तेल गरम हो जाता है, मैंने गैस चालू कर लिया, सॉरी गैस चालू करूँगी तो ही तड़का दे पाऊँगी। मैंने उसमें मिर्ची पाउडर 1 चम्मच भर के डाला था। अब ये जो है गैस बंद करके मिर्ची पाउडर डालना है, गैस चालू रख के नहीं डालना है, तेल गरम करके गैस बंद करना है। अब मैं इसे ऊपर खुरमे में डाल दूँगी। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा तड़का लग रहा है, ऐसा खुरमा खाने बहुत मज़ा आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब लग रहा है ना खुरमा एकदम माशाल्लाह अच्छा। अब इसे आप जो है बॉईल आने दीजिए, ढक्कन ढक के इसे बॉईल होने दीजिए। देखिए कितना अच्छा बॉईल आ गया है। अब जो है हमारा खुरमा हो गया है रेडी, परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं ज़ीरा राइस बनाने की ओर। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है तपेली, तपेली गर्म हो चुकी है, मैंने उसमें तेल डाल दिया है। मैं थोड़ा ज़्यादा तेल डालूँगी क्योंकि मैं 5 गिलास चावल बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अब मेरा जैसे ही तेल गर्म हो जाता है फिर मैं बता दूंगी आपको कि मैंने चावल लिया है बासमती नहीं, कोलम ही। अब चलिए हम देखते हैं क्या क्या मैं इसमें ऐड करूंगी। मिर्ची, गरम मसाला का, कोतमीर, पुदीना जो मैंने चॉप करके रखा है, और 2 प्याज जो मैंने कट करके स्लाइस में रखे हैं। तो फिर चलते हैं बनाने के लिए। तो तेल गरम हो चुका है मेरा। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, खड़े जो हमने लिए हैं, 2 से 3 तेज़पत्ता डालिए, दालचीनी डालिए 2, एक बड़ी इलायची डालिएगा, और ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ज़ीरा राइस से, और थोड़ी 2-3-4 काली मिरी और 1-2 लौंग, ऐसा करके हम डालेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाता है हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे प्याज जो हमने स्लाइस करके रखा है। देखिए प्याज मैंने ऐड कर लिया है, सारे प्याज ऐड करना है हमें। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए प्याज हम मिक्स कर रहे हैं, प्याज हमारा जो है मिक्स हो चुका है। अब जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे ये थोड़ा सा लाल होना है, ज़्यादा हमें लाल करना ही नहीं है, नहीं तो क्या होता है हमारा लाइस भी बड़ा लाल। सॉरी मैंने मिर्ची तो बताना भूल गया, इस पर मैंने स्लाइस करके जो है मिर्ची सारे डाले हैं। टेस्ट थोड़ा टेस्ट आने के लिए तो डालना होता है मिर्ची, आप अपने हिसाब से डालिएगा। फिर ये जैसे ही देखिए कलर चेंज हो रहा है, मैं इसमें ऐड कर लूँगी अभी मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। इसे अच्छे से भून लूँगी, अदरक लहसुन की पास अच्छी नहीं होती है किसी भी चीज़ में, खाने में तो बहुत स्वाद आता है, अगर अदरक लहसुन नहीं होगा तो खाना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये भुना गया है देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारे कोतमीर पुदीने, देखिए, और इसमें से भी थोड़ा सा मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें आता है डालने का ऑप्शन पानी का।
तो अब जो है ये मैंने 5 गिलास चावल लिया है, तो 5 गिलास चावल के लिए हमें जो है 10 गिलास पानी डालना है। तो मैं अपने हिसाब से पानी डालती हूँ क्योंकि मेरा जो कोलम चावल है बहुत जूना है। अब इसमें जो है मैं नमक ऐड कर लूँगी क्योंकि नमक के बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो नमक ऐड हो जाएगा अभी इसमें, फिर से मैं अच्छे से मिक्स करके इसको जो है ढक्कन डाल के बॉयल आने दे दूँगी। देखिए ढक्कन ढक लिया है, अब हम देखेंगे। तो अब देखिए बॉयल आ चुका है अच्छी तरीके से। अब गैस की आंच को स्लो करना है, फिर हमें इसमें राइस डालना है। राइस मैंने थोड़ा 5 मिनट के लिए भिगा के रखा था, ज़्यादा देर नहीं। अब इसमें राइस मैंने पूरा ऐड कर लिया है, देखिएगा राइस जैसे ही इसमें ऐड हो जाता है हम इसे एक तरफ से मिक्स कर लेंगे और उसे भी हम ढक्कन ढक के बनाना शुरू कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा चावल बनता है ऐसे सब, हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हमारे गांव के चावल बघारे ले ऐसे बनाते हैं। देखिए हमारा चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए अब इसे हमें जो है दम पे छोड़ना है पकने, पानी तो सूख चुका है, अब ये दम हो जाएगा। दम होने के बाद तो और खिला खिला चावल बनेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताने भूल गई थी कि मैंने इसमें तो 2 चम्मच घी भी यूज़ किया था, गोवर्धन का घी यूज़ करती हूँ। तो अब देखिए मेरा राइस कितनी अच्छी तरीके से बन गया है। तो देखिए मैंने इसे सर्व भी कर लिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए मेरा खोरमा और मैंने नान के साथ सर्व किया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे सारे रेसिपीज़ ट्राई करिएगा ज़रूर, और मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करने मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।